नमस्कार, आप देख रहे हैं livecities.in। लालू के बुरे दिन खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। बुधवार को चारा घोटाले के चाईबासा मामले में सीबीआई कोर्ट ने लालू प्रसाद को 5 साल की सजा सुनाई है। कुल 56 आरोपियों में से सीबीआई कोर्ट ने 50 को दोषी करार दिया, वहीं 6 लोगों को बरी भी किया। आइए हम आपको बताते हैं कि क्या है ये चाईबासा ट्रेजरी मामला। दरअसल 1992 से 93 में झारखंड के चाईबासा ट्रेजरी से कुल 67 फर्जी आवंटन पत्र के जरिए 33.67 करोड़ की अवैध निकासी हुई थी। इस मामले में साल 1996 में केस दर्ज हुआ। वहीं इस मामले में 12 दिसंबर 2001 को चार्जशीट दाखिल की गई। तब कुल 76 आरोपी बनाए गए थे। इसमें से 14 आरोपियों की मौत पूर्व में हो चुकी है, जबकि 3 आरोपी सरकारी गवाह बन गए। मामले में 2 आरोपियों ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया था, उन्हें सजा भी हो चुकी है, जबकि 1 आरोपी फूल सिंह को भगोड़ा घोषित किया गया। बता दें कि लालू के नाम से चाईबासा ट्रेजरी से जुड़े 2 केस में शामिल हैं। बुधवार को जहां चाईबासा ट्रेजरी से अवैध तरीके से 33.67 करोड़ निकाले जाने के मामले में सजा सुनाई गई, तो इससे पहले 3 अक्टूबर 2013 को चाईबासा ट्रेजरी से 37.7 करोड़ रुपए निकालने के मामले में कोर्ट ने 5 साल की जेल की सजा सुनाई थी। रांची से लाइव सिटीज के लिए दिव्यांशु प्रभात के साथ साहेब अली की रिपोर्ट।